नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के सीएम से की बातचीत। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर रही है टीएमसी। जम्मू कश्मीर के शूरवीरों ने ऊंचा किया देश का नाम, अमन इमरान आशिक मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित। इसरो जासूसी मामले में बड़ी साजिश, विदेशी हाथ होने की आशंका, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। भारत को महाशक्ति नहीं बनना, हमें विश्वगुरु बनने की इच्छा होनी चाहिए, मोहन भागवत का बड़ा बयान। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले अमेठी में बनने वाले AK-203 की डील पर बड़ी बैठक करेगा रक्षा मंत्रालय। प्रेस को लेकर हुआ विवाद, तो रेलवे ने लिया एक्शन, भगवा की जगह अब वर्कर्स पहनेंगे प्रोफेशनल कपड़े। अभिषेक बनर्जी का ऐलान, अगर त्रिपुरा के सीएम को नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। संघर्ष विराम का ऐलान, केंद्र ने किया है हमने नहीं। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरा। वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र शुरू करेगा लकी ड्रॉ, दोनों डोज लेने वालों को मिल सकता है इनाम। दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी, केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस के कई नेताओं ने की बैठक। बेंगलुरु में बारिश के पानी में बहकर आए सांप, घरों में घुसे, कई इलाकों में भरा पानी। ₹185 करोड़ का बैंक लोन केस में आशीष झुनझुनवाला से ईडी कस्टडी में पूछताछ, मिली कई अहम जानकारी। इसरो का केंद्र, बिहार के बच्चे अब बनाएंगे सैटेलाइट, अंतरिक्ष से जुड़े शोध को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल के सपूत को शौर्य चक्र, ज्वालामुखी के अमित राणा ने मार गिराए थे 4 आतंकवादी। जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला, 25 नवंबर को रखेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी आज करेंगे निरीक्षण। यूपी ने 15 करोड़ से अधिक टीके लगाकर बनाया रिकॉर्ड, अब तक देश में सबसे ज्यादा लगी वैक्सीन। सहायक शिक्षक भर्ती मामला, लखनऊ में विधान भवन को घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थी, पुलिस ने जीपीओ पर रोका। बरेली में छुड़ाई गई 14 गो का, दिल्ली में मेनका गांधी के अस्पताल में होगा इलाज, तस्कर ने तोड़ दी थी सभी की रीढ़ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहीं छुट्टा ना घूमे गोवंशी पशु, डीएम करे व्यवस्था।
आगरा में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, सम्मेलन में पहुंचे बसपा के राज्यसभा सांसद। औरैया में बस पलटने से हुआ हादसा, कई यात्री हुए घायल। आजमगढ़ में धूमधाम से मनाया गया मुलायम सिंह का जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। आजमगढ़ में तीन तलाक का मामला आया सामने, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। बलरामपुर में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। बांदा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित इंजेक्शन का जखीरा बरामद। बांदा में रफ्तार का कहर जारी, बाइक सवार युवक की हुई मौत। सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, 25 नवंबर को होगा क्रिकेट मैच। नेताजी के जन्मदिन पर सपाइयों ने लिया संकल्प। रामपुर पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सरकार पर साधा निशाना। सोनभद्र में थाना अध्यक्ष ने चलाया जागरूकता अभियान, सड़कों पर घूम घूम कर किया जागरूक। में साक्षी महाराज ने की कार्रवाई की मांग, ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अयोध्या में किन्नर समाज ने की प्रतिक्रिया, सोनम किन्नर के बयान पर दी प्रतिक्रिया। में प्रधान संगठन ने किया प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों पर आरोपी को बचाने का आरोप। महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, आमरण अनशन की दी चेतावनी। राजक तत्वों की शर्मनाक करतूत, डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा से की तोड़फोड़। रायबरेली में शिक्षकों को मिला सम्मान, 18 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। सिद्धार्थनगर में बोलेरो और बाइक की हुई टक्कर, सड़क हादसे में हुई दो की मौत। सिद्धार्थनगर कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा, प्रियंका गांधी के आह्वान पर हुई यात्रा।
सोनभद्र में अज्ञात बीमारी का कहर जारी, 10 दिन में 14 लोग की हुई मौत। सोनभद्र में पुआल में लगी अचानक आग, ट्रैक्टर से चिंगारी निकलने पर लगी आग। सहारनपुर में युवा व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत, दुकान पर ही हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चों का काम करते वीडियो हुआ वायरल, मनरेगा काम करने का वीडियो हो रहा वायरल, बच्चों की शिक्षा को लेकर किया जा रहा जागरूक। हल्द्वानी में भाजपा ने किया प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन, विधानसभा चुनाव को लेकर सम्मेलन आयोजित। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे रुड़की, व्यापारियों की सुनी समस्याएं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल, तय होगा टिकट का फॉर्मूला, दावेदारों को भी जाएगा परखा। उत्तराखंड में लगेंगे 3 किलोवाट के 3000 सौर संयंत्र, जल्द शुरू होगा दूसरा चरण, जल सूर्योदय स्वरोजगार योजना। चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने की आंदोलन हुआ तेज, तीर्थ पुरोहित कर रहे कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव। उत्तराखंड में प्रवर्तन सिपाहियों की पदोन्नति का रास्ता होगा साफ, चेकपोस्ट खत्म होने से बढ़ेगी प्रवर्तन दलों की संख्या। नैनीताल में उत्तर प्रदेश से तस्करी के लिए लाए जा रहे थे 190 कछुए, एसओजी ने पुलिस की मदद से तस्करों को पकड़ा। पंत विश्वविद्यालय में नव उद्यमियों से रूबरू कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे राज्यपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, इस बार बढ़ाएंगे युवाओं व महिलाओं का प्रतिनिधित्व। दित्य केदार भगवान के कपाट बंद, ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई उत्सव डोली। राज्यघर में सेंधमारी कर रहे अधिकारी व व्यापारी, फर्जी ई वे बिल पर लाया जा रहा करोड़ों का माल। कॉर्बेट नेशनल पार्क के टाइगर राजा जी नेशनल पार्क में बढ़ाएंगे बाघों का कुनबा, तीसरे बाघ को रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू। हल्द्वानी में जीप ने स्कूटी सवार युवकों को कोचला, एक की मौत दूसरा घायल। रामनगर में शहीदों के घर से एकत्र की जाएगी मिट्टी, काशीपुर में होगा प्रबुद्ध जन सम्मेलन। पंतनगर में तेंदुए की दहशत, सुबह राहगीरों ने सड़क पार करते देखा तो मचा हड़कंप। तालिबान के अफगानिस्तान में नए सख्त मीडिया दिशा निर्देश लागू पर ह्यूमन राइट्स चिंतित, महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित, देश में चिंताजनक हालात, बढ़ रहे मरीज।
जर्मनी डेनमार्क की यात्रा पर अमेरिका ने लगाई रोक, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किया अलर्ट। कोरोना जांच में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव करने वाले मेडिकल उपकरणों के मुद्दे पर बवाल, ब्रिटेन ने उठाई जांच की मांग। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स नए एस्ट्राजेनेका रिसर्च सेंटर का करेंगे उद्घाटन, इससे कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने में मिलेगा सहयोग। पाक पेट्रोलियम डीलरों ने 25 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की, कम मार्जिन पर देने का है पूरा मामला। तालिबान का फरमान, महिला एक्टर्स वाले शो बंद करे टीवी चैनल, एंकर का हिजाब पहनना जरूरी। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगा भारत का गेहूं, इमरान सरकार ने खोला रास्ता। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किल में, पूर्व सहयोगी ने भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दी गवाही। कोरोना का फिर से एपिसेंटर बना रहा यूरोप, ऑस्ट्रिया में 20 दिनों का लॉकडाउन। बैंक में जमा आपकी गाड़ी कमाई सेफ है या नहीं तो जाकर पहले चेक करें उसका लाइसेंस, आरबीआई ने दिया ये बयान। आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा पीएमसी बैंक के अधिकरण के लिए जारी किया योजना का मसौदा। कपड़ा पर 12% टैक्स बढ़ोतरी से व्यापारी खफा, आंदोलन की चेतावनी। पीएमसी बैंक का यूएसएफबी में होगा विलय, पीएमसी के ग्राहकों को 10 साल में मिलेगा पूरा पैसा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर पर बरसे भारत पे के फाउंडर, आईपीओ में निवेशकों के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, नौकरी बदलने पर ट्रांसफर नहीं करवाना होगा पीएफ खाता। सिंगापुर के बीच हवाई यात्रा बहाल, 29 नवंबर से भर सकेंगे उड़ान। दुनिया का सबसे स्पीड वाला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, इसने 555.9 किलोमीटर स्पीड का बनाया रिकॉर्ड, 15 मिनट तक आसमान में रहा। एल साल्वाडोर बनने जा रहा है दुनिया का पहला बिटकॉइन का शहर, एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने किया ऐलान। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, पैन आधार लिंक नहीं होने पर बैंकिंग सर्विस होगी बाधित। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कानपुर टेस्ट मैच के लिए तैयार किए गए डाइट चार्ट के लिए हो रहा ड्रोन। कानपुर टेस्ट मैच के लिए सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम में शामिल, रिपोर्ट आई सामने। दिग्गज कीवी कप्तान डेनियल विटोरी ने कहा, भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत को टी20 करियर खतरे में, नहीं संभला तो हो जाएगा खत्म।
कहते कि गेंद कैच करने से कौशल से प्रभावित हुए सचिन तेंदुलकर ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। श्रेयस अय्यर ने मोहम्मद सिराज को दिखाया अपना जादू, गेंदबाज की तरह आप भी रह जाएंगे दम। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉन बोले, टीम पेन को कप्तान बनाए जाने पर अब है सही समय। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलमान बटट ने कहा, ऋषभ पंत और ईशान किशन के पास अनुभव नहीं, सूर्य कुमार से तुलना बेकार। शर्मा की गैर मौजूदगी में पहले टेस्ट में बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल, शुभम गिल और केएल राहुल, भारत के लिए ओपन गौतम गंभीर ने दी सलाह। पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी ने जताया भरोसा, सभी देश की टीम जाएंगी खेलने टूर्नामेंट। आईसीसी ने कहा, हर दो साल पर टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन जरूरी, वरना क्रिकेट का विकास नहीं होगा। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में शाहिद क्रिकेटर बने, इसके अलावा मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी निभा रहे हैं अहम किरदार। नुसरत जहां ने पहली बार दिखाया बेटे ईशान का चेहरा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। रवीना टंडन की वेब सीरीज अरण्यक का रहस्य और रोमांच से भरा ट्रेलर रिलीज, पुलिस की वर्दी में सुलझा रही पेचीदा केस। श्रद्धा आर्या एयरपोर्ट पर यू शर्माती आई नजर, बिना पति अकेले ही पहुंची मुंबई। बिग बॉस फेम अर्शी खान का हुआ दिल्ली में रोड एक्सीडेंट, डॉक्टर्स की निगरानी में है एक्ट्रेस। कंगना पर एक और केस, सिख समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ श्री गुरु सिंह सभा ने दर्ज करवाई एफआईआर। कैटरीना से शादी की तैयारियों के बीच विकी कौशल ने शुरू की लक्ष्मण टेकर की फिल्म की शूटिंग, सारा अली खान है लीड एक्ट्रेस। करण जौहर की नई फिल्म में धमाल मचाएंगी राजकुमार जाह्नवी की जोड़ी। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस के तलाक की अटकलों पर मां मधु चोपड़ा ने दिया रिएक्शन, सबके सामने बताई सच्चाई। विवादों पर वीरदास का बयान, बोले मैंने भारत के लिए लिखने में 10 साल अर्पण किए हैं, लव लेटर लिखता रहूंगा। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।